अब बात करते हैं जनजातीय जिला किन्नौर की। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो में आंखों के इलाज में प्रयोग आने वाले आधुनिक लेजर मशीन ने काम करना आरंभ कर दिया है। ये मशीन सतलुज जल विद्युत निगम के सहयोग से स्थापित की गई है और इस पर 13 लाख रुपए खर्च आए हैं। अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश नेगी ने कहा कि इस मशीन के लगने से अब रिकांगपियो अस्पताल में ही मोतियाबिंद और काला मोतिया जैसे रोगों का आसानी से इलाज हो सकेगा तथा जिले के लोगों को इसके लिए शिमला अथवा चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। जो मशीन है मेरे पास बहुत अच्छी मशीन है और फर्दर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह से और अपग्रेड करता रहा हूँ। ऑटो फुली ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव के लिए भी बात करी हुई है डीसी किन्नौर से, तो उसके लिए भी आई थिंक परचेजिंग प्रोसेस चला हुआ है। जैसे ही वो ऑटोक्लेव हमारे पास आ जाता है तो हम सारा सेटअप इस नए वाली बिल्डिंग में शिफ्ट करने वाले हैं और उसके अलावा कुछ कुछ एडिशंस होते रहेंगे हमारे आए के मशीनों में, ताकि जो भी पेशेंट्स दूर से आ रहे हैं उनको छोटे छोटे टेस्टों के लिए शिमला या उसके आगे भी जाए वहाँ पे हम रेफर ना करें।